भाव 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 क्या भाव 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 साले क्या भाव टको मार लूंगा चुप रहे क्यों चिल्ला रहे इतना वीडियो बन रहा है दिख नहीं रहा है एकदम सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और बारिश शुरू हो गई है और मुझे फोन आ गया अचानक से। मैं नींद में था गहरी कि मेरा एक पार्सल आया हुआ है, मैं पार्सल पिकअप कर लेता हूँ फिर ऊपर जाता हूँ। मौसम तो बहुत प्यारा हो रहा है, बारिश हो रही है, अब ठंडक हो जाएगी, अब गर्मी नहीं आएगी ऐसा लग रहा है। ये है एक बड़ा सा पार्सल, अब इसके अंदर क्या है मैं आपको आज अनबॉक्स करके दिखाऊंगा और बहुत कुछ बताऊंगा इसके बारे में। टक्कू आज अपन अनबॉक्स करेंगे, अपने पास ना आज एक सामान आया हुआ है टक्कू, बहुत अच्छा, उसको ना अपन अनबॉक्स करेंगे, ठीक है? ये इसको अनबॉक्स करेंगे अपन। वह तेरी तो तेरे लिए अनबॉक्स हो रहा है साले, तू की खेले उससे टेक से। किस तरह का इंसान, मतलब किस तरह का कुत्ता है रे तू। अरे डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, एक और डब्बा तेरे को मिल गया ना, अच्छा खिलौना, रबर, रबर बोल रहा हूँ, टेप। और अगर तूने गलती से भी थोड़ा सा खाया तो फिर सोच लेना बेटा। गेस करो आप लोग क्या है, कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ। मेरे निकालने से पहले कर लिए गेस, अब क्या फायदा, मैं निकाल रहा हूँ। और ये है, अरे रे 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 रे, ये है घंटन है, नहीं दिखा, बताओ जल्दी, अभी तक नहीं बता। तू देखने देगा किसी को, देखने देगा? हट टको, हट जाया टको, हटना यार, वीडियो बना रहा हूं नहीं दिख रहा है। और ये है ये, और ये जो है ये इस तरह से, मतलब वर्टिकल भी खड़ा रह सकता है और इस तरह से ये लेट भी सकता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है? इसके पीछे एक वायर है जो कि सीधे जाके इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्ट होगा। ये लगभग लगभग 7 से 8 फीट का है, काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। भाव 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 क्या भाव 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 साले क्या टको, मार लूंगा चुप रहे क्यों चिल्ला रहे इतना, वीडियो बन रहा है दिख नहीं रहा है। ये जो वायर है काफी लंबा है, इंप्रेसिव टको, ये चालू करो, ऐसा चिल्लाएगा ना तू साले, ऐसा चिल्लाएगा ना कि तूने कभी सोचा नहीं होगा। खैर यूज करना इसको बिल्कुल भी नहीं आता है, मैं पहली बार इसको यूज करने वाला हूं तो मुझे इसके लिए एक यूजर मैनुअल इसमें दी हुई है, वो पढ़ना ही पड़ेगा। और ये यूरेका फोर्ब्स की तरफ से है, उसके साथ ये अलग नोजल अलग है कि वो का मेन होगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है ये मेन है। अच्छा ये इसका पाइप है, हाँ ये है इसका पाइप जो डिसेंट लेंथ है इसकी। और भी काफी सारी चीजें हैं, ये कुछ तो भी चीज है, ये क्या है, ये तेरे को डराने के लिए साले मेन चीज, ये तेरे को डराने ये तेरे को डराने के लिए, ये डराऊंगा तेरे को भाग गया तो इसको भी रखते हैं। एक एक चीज के लिए यूजर मैनुअल मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं मालूम। ये एक ब्रश जैसा है जो यहाँ पे, मतलब इसकी अलग अलग नोजल्स है जो यहाँ पे फिट हो जाएगा, और जो फर्नीचर या फिर जैसा मेरा गिटार है या तेरी तो फिर भागा, या फिर ऐसी कोई डेलिकेट जगह है ना ये वहां के लिए काम आएगा। इसको निकालते हैं। अच्छा ये कोनों के लिए, ये जो कोने छुपे हुए रहते हैं ना, छोटी जगह कोने, जैसे विंडो के उधर का वो गया, मैं आपको सब करके दिखाऊंगा इसे साफ। हाँ ये वो हो गया, उल्टी लगा दिया क्या, नहीं 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 ऐसे ही है। ये छोटी जगहों के लिए हो गया, शायद ये कारपेट एरिया के लिए है, ये छोटी जगह मतलब जैसे ये वाला हिस्सा हो गया सोफे का, देख रहे हो ये हिस्सा हो गया उसके लिए, मस्त यार, बस इतनी ही चीज है। अब भाई सो कनेक्ट कैसे करना है, मेन मुद्दा ये है ना, तो कनेक्ट करने के लिए मुझे लगता है कि इसको इस तरह से तो डाल देना है ही। चलो मैं यूजर मैनुअल रीड करता हूँ एक बार, इसको कनेक्ट करता हूँ फिर आप लोगों से बात करता हूँ, इसको भाव भाव भी थोड़ा कम करवाता हूँ। इसमें मुझे एक कमाल की चीज पता चली कि वायर अगर आप लोगों से कभी ज्यादा बाहर निकल जाए ना, ऐसा खींच खींच के इसको निकालना पड़ता है, कभी ज्यादा बाहर निकल जाए ना तो क्या करना है पता है, सिंपली ये वाली जो बटन है इसको प्रेस करना है, देखो वायर कैसे जाएगा, अंदर चले गया। अब आपको लगता है ज्यादा अंदर चले गया तो थोड़ा खींच लो, ये बाहर भी आ जाएगा। और इसके लिए एक और इसका डंडा था ऐसा वाला, अगर और लंबा करना करना चाहो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल इतने में ही इसकी शुरुआत करके देखते हैं कि किस तरह से फंक्शन करता है। और लंबा कर देते हैं, अब वक्त आ गया है टक्कू और जोर जोर से भौंकेगा। टक्कू अब तो तैयार हो जा जोर जोर से भौंकने के लिए,
क्योंकि मुझे पता है तुझे इससे कितना डर लगने वाला है। नो कुछ तो सीन है जो मुझसे अच्छे से हो नहीं पा रहा है। मैं करता हूँ इसको, होगा क्यों नहीं होगा। इस बटन को पुश करके देखो, यहाँ पे बटन है दो, यानी एक बटन है, इसको दबाऊंगा तो कुछ ऐसा हो जाता है। अभी अभी करके देखता हूँ। इसका तो अलग ही हो गया है सीन। क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया, क्या हो गया? नो गुड बॉय। इसका वायर थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है तो मैं इसके वायर को लंबा कर देता हूँ, जो मैंने कर दिया हूँ। जहां तक सुना था कि ये गर्म बहुत होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये ज्यादा गर्म नहीं हुई है। और सबसे बड़ी सी खास बात, ये पैर से भी चालू हो जाती है। ये क्या हो गया मेरे साथ, इसने किया, इससे बैठने वाला तो झाड़ू ला के होती है यार। ये लिटरली पसीना है, ये पानी नहीं है, ये पसीना है। और ये इतना पसीना है कि किसी की प्यास बुझ। उधर टक्कू की अलग हालत है, टक्कू उधर मत देखो, उधर कपड़े सूख रहे हैं। टक्कू अलग ही डर के बैठा, अलग ही दुनिया में। मेरी दुनिया नहीं है, भाड़ में जैसा मैं छुप के बैठता हूँ। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये चीज क्या आ गई, अजीब सी आवाज कर रही है, और ये चल भी रही है, इसका टायर भी है ना। कहीं मेरे से बड़ा कुत्ता तो इस घर में नहीं आ गया जो अलग सा दिखता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अभी तक फिलहाल मैंने इसे अपने फर्स्ट वाले कमरे में थोड़ा सा यूज किया हूँ, मतलब 60% यूज किया, और इतना मुझे समझ में आया कि पहली बार यूज करने में तो मेरे साथ ये होता ही है जो हो रहा है। कुछ भी चीज हो, अगर मैं पहली बार वो चीज मेरे पास आएगी ना तो मेरा यही हाल होता है। लेकिन इतना मुझे पता चल गया कि भाई ये जो चीज है ये बड़े ही काम की और बड़े ही कमाल की चीज है। इसके साथ मतलब बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि ये पूरा कचरा बस यूं समेट लेती है और गर्म वरम भी नहीं होती है। तो खैर अपने लिए तो बहुत अच्छा हो गया। ब्लडी सत का वीडियो बनाने का टाइम भी हो गया, मतलब ब्लडी सत ही देख रहे हैं हम, शाम वाला वीडियो बनाने का टाइम हो गया तो उसको बनाते हैं। और बाकी अब तो आएगा घर पे तो दिखाते ही रहेंगे कभी ना कभी, है ना। तो कैसा लगा ये प्रोडक्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और टक्कू दुल्हन बन के बाहर निकल रहे हैं कि हटाओ उस चीज को, मुझे बाहर निकल रहा है। आज मेरा बेटा बहुत डर गया था, पूछ लो। अरे मेरा टक्का, और कुछ नहीं है बाबू, कुछ नहीं है, इतना नहीं डरते उससे, इससे डर नहीं बाबू, इतना नहीं डरते। आजा 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 मेरा बेटा, आजा, कुछ नहीं करेगा ये, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा टक्कू, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, आजा। बहुत डर गए। तो अभी ऐसा है कि अभी मेरी वीडियो बना के हुई है, लेकिन वीडियो एडिट करते करते मुझे इतनी जोरों की तलब लगी ना मीठा खाने की, जिसकी लिमिट नहीं है। मेरे साथ में ये कई बार होता है, मुझे कई बार अचानक से मीठा खाने की इतनी ज्यादा इच्छा होने लगती है कि मतलब मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। मैंने बीच एडिटिंग में छोड़ के नीचे गया हूँ और बस ढूंढने निकल गया कि कुछ मीठा मिलता है कि नहीं, और लकीली मुझे कुछ मीठा मिला, और वो है मेरा फेवरेट केक। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही ऑकवर्ड सा लग रहा होगा बताने में देखने में, लेकिन ये वाला केक ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और जब कभी भी मुझे मीठे की तलब लगती है तो मैं यही केक को ढूंढता हूँ। वैसे लोग बोलते हैं कि अंडे से बना हुआ है, लेकिन मैं अंडा खा लेता हूँ इसलिए मैं ये खा सकता हूँ, लेकिन मैं अंडे खाने वाला वेजिटेरियन हूँ। तो ये टक्कू को भी बहुत ज्यादा पसंद है, इतनी ज्यादा तलब थी कि मैंने लाते से ही दो खा लिया, अभी चार पीस है। तो थोड़ा सा टक्कू को देता हूँ इसमें से तोड़ के। वैसे इनको नहीं देना चाहिए, तो पता है मैं कितना दे रहा हूँ, सिर्फ इतना इनको नहीं देना चाहिए, लेकिन बेचारे के मन में लालच आता है ना, इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा दे देता हूँ। ये ले टक्कू बाबू, इसको बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, मतलब मुझे अंदर से बिल्कुल, मैं कुछ काम भी नहीं कर पाता, ऐसी खलबली सी मस्ती की मीठा खाते हैं, फिर भागता हूँ लेने। उस समय तो ऐसा रहता है मेरा कि मुझे जितना भी मीठा मिल जाए दुनिया का मैं खा लूंगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे देख के कि नहीं भाई गलत कर रहे हो, डॉगीज को ऐसा मीठा नहीं देना चाहिए, उनके लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को कि मेरा जो डॉगी है ये पहलवान इंडियन डॉगी है, और इंडियन डॉगीज की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग रहती है ना कि मतलब, क्योंकि ना उनका जेनेटिक जो जीन है उनका वो इंडिया में ही पला पड़ा है, यहाँ के नेचर के साथ, यहाँ की चीजों के साथ इनका खानदान घुला मिला रहता है।
तो इसलिए इनको छोटी मोटी चीजों से प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत अच्छी इम्यूनिटी रहती है इन लोगों की एज कम्पेयर टू अदर विदेशी डॉग्स। तो इसलिए मैं हमेशा इंडियन प्रेफर करता हूँ और सब लोगों को रिकमेंड करता हूँ, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं।